बैक टू रिपब्लिक का क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन आंसर पर। बीपीएससी मेंस जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसी में अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें। हिस्ट्री का क्वेश्चन है डू यू एग्री विद द व्यू दैट चंपारण सत्याग्रह वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। यानी क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में परिवर्तनीय बिंदु था। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो वर्ड पूछा गया है उसको आप समझिए कि ऐसे ही नहीं पूछा गया है, उससे आपको तालमेल दिखाना पड़ेगा। पूछा गया है कि क्या आप सहमत हैं, नहीं सहमत है तो आप बता देंगे कि नहीं इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, या फिर किस डिग्री तक सहमत हुआ जा सकता है। यह एक क्वेश्चंस का टाइप्स है जिसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कहां तक सहमत हैं, है ना। तो अगर आप सहमत नहीं है तो आप दिखाएंगे, तो आपके स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही वर्डिंग आपकी होनी चाहिए कि हाँ इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के राष्ट्रीय इतिहास संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था, एक आरंभिक बिंदु था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से एक सर्वथा एक नवीन प्रकार की आंदोलन की शुरुआत होती है। वह अपने पूर्व के विभिन्न आंदोलनों से काफी भिन्न था। यहां पर आप दो चार लाइन पूर्व के आंदोलनों की आप चर्चा कर लीजिए, फिर आगे कैसे परिवर्तनीय था, कैसे टर्निंग पॉइंट था, कैसे वह अलग था, कैसे यह स्टार्टिंग एक पॉइंट है उसको आप दिखाते जाइए अलग अलग पैराग्राफ में। इस क्वेश्चंस में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को ही लिखा है, बस चंपारण मूवमेंट आ गया, आपको तो टॉपिक से मतलब होता है, अरे वाह आ गया, यूरेका यूरेका की तरह, आर्किमिडीज है ना, आ गया चंपारण मूवमेंट आ गया और खूब लिखा। ये भी नहीं देखा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि जहाँ पर बस टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, टॉपिक के अंडर में किस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सहमत होना आप दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है चंपारण मूवमेंट के बारे में। ठीक है, और कैसे परिवर्तनीय बिंदु था, कैसे परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें यहाँ नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है, एकदम परिवर्तन हो गया, टर्न कर गया, इसको परिवर्तन बोलेंगे। कोई चीज ऐसे आ रहा है, पहले ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है और यहां पर आकर के यू टर्न ले लिया, इसको परिवर्तन बोलते हैं। तो आप दिखाइए कि पीछे की चीजों में क्या क्या था, और यहाँ पर जो चंपारण मूवमेंट में 1917 में चंपारण मूवमेंट यहाँ जो आपका होता है तो यहाँ पर कैसे एक भिन्नता आती है। ठीक है, तो पूर्व की आंदोलनों की थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। पूर्व के जो भी आंदोलन हुए हैं ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जाने की कोशिश हुई है। 1757 की घटना, चाहे वह घटना हो प्लासी का युद्ध हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, बक्सर वॉर हो 1764 का, वह राजाओं के द्वारा एक लड़ा गया है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, दिल्ली का जो शहंशाह था या अवध का नवाब था या फिर बंगाल का शासक था, उसके द्वारा 1757 प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध, तो एक राजाओं के स्तर पर
हिंसात्मक रूप से, जिसमें फेस टू फेस एक मैदान में, प्लासी के मैदान में, बक्सर में एक राजा का एक पक्ष का दूसरे पक्ष से सामना हो रहा है। गैर बराबरी का युद्ध होगा। एक तरफ आधुनिक दुनिया के सबसे ज्यादा मॉडर्न आर्मी जिसके पास हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, गोला बम बारूद बंदूक हो, और दूसरी तरफ आपकी कहीं ना कहीं परंपरागत तौर तरीका है, कितना देर आप टिक पाएंगे, ऐसी तरीके से आप क्या आप जीत पाएंगे। तो जो स्टार्टिंग जो था कहीं ना कहीं वही था। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस दो चार लाइन में ही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि किसानों के द्वारा या फिर आदिवासियों के द्वारा छुटपुट ढंग से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई, या संथाल विद्रोह के रूप में, मुंडा विद्रोह आदि के रूप में हो कोल भूमिज आदि, सन्यासी विद्रोह आदि के रूप में। तो उसमें जो आदिवासी आंदोलन हुआ है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फेस टू फेस एक युद्ध हुआ है, छिटपुट ढंग से ही सही, तो वह भी हिंसात्मक था। फिर इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही एक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है, एक नए प्रकार के आंदोलन की शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन कांग्रेस की जो स्टार्टिंग में जो नीति थी, अनुनय विनय याचना की, आवेदन पत्रों की, वह भी बहुत कारगर नहीं थी। वह भी नहीं चल पाया। फिर बाद में कहीं ना कहीं लाल बाल पाल का महत्व बढ़ गया, अरविंद घोष का इम्पोर्टेंस बढ़ता है, लेकिन वह भी चीज़ें उतनी कारगर नहीं साबित हुई। सब में बहुत स्तरों पर कमी थी। गांधी जी ने इसी बात को समझा, पीछे की सारी चीज़ों को का एक तरह से उन्होंने चिंतन मनन अध्ययन किया और महसूस किया कि नहीं, इस तरीके से आज़ादी नहीं मिल सकती है, हिंसात्मक होकर के नहीं मिल सकती है, याचना और आवेदन पत्रों के माध्यम से भी नहीं मिल सकता है, फिर लाल वाल पाल वाला जो तरीका था उससे भी नहीं मिल सकता है, या फिर क्रांतिकारियों का जो तरीका था उससे तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता क्योंकि वो हिंसक था। हालांकि उसकी हिंसा फेस टू फेस वाली हिंसा नहीं थी, वो कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध वाली टाइप की थी, है ना। लेकिन उससे भी, क्योंकि इसमें तो उनकी महारथी हासिल थी, वो तो चाहते थे। एक नई प्रकार की चीज़ों की शुरुआत गांधी जी ने किया है, और वहीं तो उन सारे चीज़ों को आपको दिखाना होगा कि किस प्रकार यह परिवर्तनीय बिंदु था। तो आप अपने आंसर में क्या करेंगे, उस कैसे वह भिन्न था, परिवर्तनीय बिंदु किस रूप में था, इसकी भी चर्चा आप करेंगे पॉइंट के रूप में। और इसमें आप देखेंगे कि किस रूप में यह अलग था या फिर परिवर्तनीय साबित हुआ। तो स्टार्टिंग में भूमिका लिख करके और आप आ जाएंगे कि गांधी सबसे पहले एक नेतृत्व के स्तर पर, गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन लड़ी जाती है, और स्वयं वह इस आंदोलन ने गांधी को स्थापित किया, ठीक है। एक नई लीडरशिप यहाँ से उभरती है, लोगों की सहमति हो जाती है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा। लीडरशिप के लेवल पर एक नई शुरुआत दिखती है यहाँ से, ठीक है। लीडरशिप के लेवल पर एक तौर तरीका, गतिविधि के स्तर पर, टूल्स के लेवल पर, वेपन्स के लेवल पर, अब वेपन्स आइडियोलॉजी के लेवल पर, आइडियोलॉजी आप लिख लीजिए, आइडियोलॉजी के लेवल पर पहले की जो आइडियोलॉजी थी
याचना आदि की आइडियोलॉजी या फिर हिंसक होकर के आंदोलन करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ पर है अवज्ञा, आपकी चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। सत्य यह है और सत्य के प्रति हमारा आग्रह है, हम सत्याग्रह करेंगे, हम अवज्ञा करेंगे। अगर तिनकठिया व्यवस्था गलत है, वह शोषण मूलक है, एक तरफ आप स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व जो डेमोक्रेसी की जो मूलभूत चीज़ें हैं उससे आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सबसे सभ्य, हमारी शासन व्यवस्था है, और दूसरी तरफ आप शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो गांधी ने उस सत्य को दिखाया, सत्य के प्रति आग्रह को दिखाया, ठीक है, और सत्य अहिंसा सत्याग्रह आदि आइडियोलॉजी को सामने रखा और उस आधार पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। आइडियोलॉजी के बारे में आप लिख देंगे। कांग्रेस के लेवल पर, कांग्रेस के लेवल पर क्या था कि पहली बार वह जनता के मुद्दों से जुड़ती है, पहली बार वह किसान के मुद्दों से जुड़ती है, उसका जनाधार व्यापक होता है। अब केवल वह अभिजात वर्गों की शासन पार्टी नहीं रहती है, ठीक है, तो ये सब कांग्रेस के स्तर पर आप दिखा देंगे। मानसिकता के स्तर पर, मानसिकता यह क्या है, ब्रिटिश सत्ता से ज़्यादा एक अपनी मानसिकता के विरुद्ध भी संघर्ष था। लोगों के मन में यह जो भावना थी कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह धारणा यहाँ पर ध्वस्त हो जाती है। अपनी ही चीज़ों के विरुद्ध संघर्ष है, अपनी कमियों के विरुद्ध संघर्ष है। यह जो एक माई बाप वाली जो प्रवृत्ति थी वह यहाँ पर अंत होता है। लोगों को पहली बार लगा कि नहीं, ब्रिटिश सत्ता से भी अपनी बात को मनवाया जा सकता है, ब्रिटिश सत्ता की आज्ञा का भी खुल करके उल्लंघन किया जा सकता है, उसकी अवज्ञा किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप डाल देंगे। गांधी जी के संदर्भ में भी अगर कहूँ तो गांधी जी को इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला, जनता की मानसिकता को समझने का मौका मिला, आंदोलन की नेचर्स को समझने का मौका मिला, और ये सारी चीज़ें एक आम जनता की क्या कमियां होती है, क्या अच्छा स्ट्रांग पॉइंट होता है, उसको समझने का मौका मिला, और इस सारी चीज़ें बाद के आंदोलन में उनको काफ़ी हेल्प करता है, आगे की रणनीति बनाने में सहूलियत होती है इससे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हरेक पॉइंट एक परिवर्तनीय है, एक नई शुरुआत है, और उसी की कंटिन्यूटी जो चंपारण मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, वहीं एनसीएम में, वहीं सीडीएम में, वहीं क्विट इंडिया मूवमेंट में आकर के, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इस चीज़ को आप दिखाएंगे भी, फिगर में भी दिखाएंगे। यहाँ पर चंपारण मूवमेंट है, यहाँ पर एनसीएम है, सेकेंड स्टेज पर सीडीएम, हाँ, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर यहाँ पर आकर के आज़ादी, आज़ादी के रूप में आप बड़ा सा आपको दिखा देंगे 15 अगस्त, है ना। तो इस फिगर को आप बनाएंगे, इस फेज को, यही एक स्टार्टिंग बिंदु, चंपारण मूवमेंट ही एक पहला स्टेप्स था, उस स्टेप्स से ही हम फाइनल अपने एम तक, टारगेट तक पहुंच पाते हैं। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो जनता के स्तर पर हो गया, कांग्रेस के स्तर पर हो गया, आइडियोलॉजी के स्तर पर हो गया, स्वयं गांधी जी के स्तर पर हो गया, ब्रिटिश सत्ता के स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी। ब्रिटिश सत्ता को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसको आप आर्म्स से आप चुनौती देंगे तो फिर, लेकिन जो तरीका गांधी जी ने अपनाया, सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बातें किया, अवज्ञा की बातें किया, ठीक है, तो इस आधार पर इसका काट उनके पास नहीं था कि क्या किया जाए। जनता हिंसक नहीं हो रही है, जनता कह रही कि हम सही हैं, हमारा पक्ष सही है, हमारे विरुद्ध अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, हम सत्याग्रही हैं, सत्य के प्रति हम में आग्रह की भावना है, हमको जितना मारना है मारो, हम विचलित नहीं होंगे,
अब इसका काट कैसे होगा उनके पास, वो असहाय हो जाते हैं। पहली बार ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा, कोई उनके कानून का उल्लंघन कर रहा है गांधी जी, फिर भी उनको झुकना पड़ा एक जन दबाव में उनकी, और केवल झुकना ही नहीं पड़ा बल्कि उनकी मांगों को मानना पड़ा। जो अवैध वसूली थी उस वसूली को भी, उसको भी वापस करना पड़ा, चाहे 1/4 ही क्यों ना हो। तिनकटिया व्यवस्था को अंत किया गया, उस जांच कमेटी में महात्मा गांधी जैसे लोगों को शामिल किया गया। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश सत्ता के लेवल पर भी एक नवीन चीज़ें थी, और यहाँ से ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव दिखता है, वह डाउनफॉल यहाँ से ब्रिटिश सत्ता होती है, जहाँ पर हमारी नेशनलिज्म एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ती है, वहीं ब्रिटिश सत्ता दूसरी तरफ क्या होती है, वह स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रही है। दिखाइए आप अपने आंसर में, हम बढ़ रहे हैं, हमारी नेशनलिज्म बढ़ रही है चंपारण मूवमेंट से स्टेप बाय स्टेप, तो वहीं जो ब्रिटिश लेवल पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है। एनसीएम में और असहाय हो गए, वो सीडीएम में और असहाय हो गए, और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला लड़ो डू एंड डाई के स्तर पर चीजें आ गई, और उनको अल्टीमेटली देश छोड़ना पड़ा। तो वह चंपारण मूवमेंट ही है जहां से एक नई प्रकार की चीजें, चाहे वह आइडियोलॉजी के लेवल पर हो, वेपन्स के लेवल पर हो, नेतृत्व के स्तर पर हो, एक मास मूवमेंट के रूप स्तर पर हो, जनता की मानसिकता के स्तर पर हो, कांग्रेस के स्तर पर हो, हर एक स्तर पर एक नए प्रकार की चीजें दिखती है, और उसकी कंटिन्यूटी दिखी जाती है आगे के सारे आंदोलनों में। वहीं ब्रिटिश लेवल पर क्या है, एक डाउनफॉल हो रहा है, उनका पराभव हो रहा है, एकदम से पराभव नहीं हुआ या फिर देश से जाना नहीं पड़ा है, एक ऐसी चीजें क्रिएट हो गई इस 1900 चंपारण मूवमेंट से लेकर के और 47 तक, ठीक है। तो इस 20 साल में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि उन्हें देश को छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर में आ जाएगा कि कैसे परिवर्तनीय बिंदु था उसको सिद्ध कर देना है, और एक एक पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स को आप डालते जाएंगे, आइडियोलॉजी, लीडरशिप, कांग्रेस के लेवल पर क्या है, ब्रिटिश सत्ता के स्तर पर क्या है, जनता के स्तर पर क्या परिवर्तनीय बिंदु था, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर। लीडरशिप में क्या है, इसमें लीडरशिप के रूप में केवल गांधी जी नहीं उभरे, गांधी जी तो उभरे ही हैं, गांधी जी के साथ साथ उनका जो एक सहयोगी टीम था जिसमें राजेंद्र प्रसाद हो गया, ब्रजकिशोर बाबू हो गया, अनुग्रह बाबू हो गए, कृपलानी वगैरह हो गए, महादेव देसाई वगैरह हो गए, और महिलाओं की भी एक टोली तैयार हो रही थी, या उनसे प्रभावित होकर के बाद के आंदोलनों में महिलाएं भी जुड़ी हैं एनसीएम में आकर के। वह गांधी जी का प्रभाव ही था, और उसकी शुरुआत चंपारण आंदोलन से होती है। तो हर एक स्तर पर एक परिवर्तनीय बिंदु, एक आरंभिक बिंदु, ठीक है, दिखा देंगे एक अच्छा कंक्लूजन के साथ, आप अंत कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया।